बच्चों, कल हमने सीखा था स्टिल लाइफ की ड्राइंग कैसे बनाते हैं, स्केच कैसे बनाते हैं। आज हम उसी फ्लावर पॉट में शेडिंग करना सीखेंगे बहुत आसान तरीके से। कुछ बच्चे यूज़ करते हैं कपड़े का, कुछ बच्चे यूज़ करते हैं कॉटन का, कुछ उंगली को रगड़ देते हैं। आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा, मैं आपको सिर्फ पेंसिल से ही सिखाऊंगी किस तरीके से हम बहुत आसानी से अपने ऑब्जेक्ट में शेडिंग कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था स्टिल लाइफ के बारे में, जैसे कि ये है स्टिल लाइफ। पर आप ये ध्यान रखिए कि जब हम शेडिंग करेंगे तो जो भी लाइट यहाँ दिख रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस लाइट को हमें छोड़ते हुए जाना है। और अगर आप बिना किसी ऑब्जेक्ट को सामने रख के कुछ ऑब्जेक्ट या स्टिल लाइफ बनाते हैं तो फिर आप अपने हिसाब से उसमें शेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं शेडिंग कैसे करते हैं। बच्चों, मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला पॉट बनाया मैंने, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जहाँ जहाँ लाइट छोड़ी है इस तरह से दिखाने की कोशिश करूँगी कि आप भी इसको फॉलो कर सकें। अगर आपसे ये वाकई लाइट नहीं छोड़ी जाती है तो आप कोशिश करना कि बिना लाइट छोड़े बनाएं, लेकिन हमें एक तरीका बस ये ध्यान रखना है कि जो हमारे प्रोमिनेंट एरियाज होते हैं या उभार होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, उनको हमें वहाँ पर हमें लाइट शो करनी होती है, क्योंकि जब लाइट किसी चीज़ पर पड़ती है तो वो प्रोमिनेंट एरिया पर पहले पड़ती है। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जब हम शेडिंग करते हैं तो जो आकार हमारे ऑब्जेक्ट का होता है पेंसिल हमें वैसे ही चलानी है। सपोज़ अगर गोल है कोई ऑब्जेक्ट तो हमको गोल ही पेंसिल को चलाना है। अगर हमारा रेक्टेंगल है या स्क्वायर है तो हमें पेंसिल शेडिंग करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इसमें कई तरह के टेक्सचर्स हम क्रिएट करते हैं, कई बार कुछ लोग ज़िगज़ैग तरीके से ऐसे करके बनाते हैं, ऐसे करते हैं शेडिंग, कुछ सीधी लाइनें खींच के करते हैं, कुछ वर्टिकल लाइंस से करते हैं, कुछ डॉट डॉट करके करते हैं। लेकिन हम इन सबको अभी नहीं करेंगे, हम बेसिक चीज़ सीखेंगे पहले, वो हम कैसे करते हैं देखिए। पेंसिल को पकड़ने का तरीका, जब हम शेडिंग करते हैं तो पेंसिल हमें कोशिश कीजिए कि नाइफ से बनाइए। नाइफ से जब आप इसकी इसको शार्प करेंगे अच्छे तरीके से तो लंबाई ज़्यादा आएगी और वो एरिया को ज़्यादा जल्दी कवर करेगी और शेडिंग में कहीं भी लाइनें नहीं दिखेंगी। उसी वजह से हमें कुछ बच्चे कॉटन से उसको रगड़ के ले आते हैं उंगली से, उसकी ज़रूरत कतई आपको पड़ेगी नहीं। तो ऐसे पकड़ना है पेंसिल को, ये देखिए मैं रख के दिखा रही हूँ, ऐसे लेना है और फिर ऐसे उल्टा कर लेना। आप अपने हिसाब से अपनी फाइल को घुमा लीजिएगा। अब हमने डिज़ाइन जो बनाया है वो हमारा छिप जाएगा, लेकिन हम उसे बाद में करेंगे। मैं शुरू कर रही हूँ थोड़ा डार्क एरियाज को कवर करते हुए और मैं वहाँ छोड़ूंगी लाइट जहाँ पर मुझे नज़र आ रही है पॉट पर, उनके प्रोमिनेंट एरियाज पर। नीचे की तरफ हम थोड़ा सा डार्क देंगे क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों के नीचे हल्का सा शेड रहता ही है, वहाँ लाइट कम पहुँचती है क्योंकि वो उसकी डेप्थ होती है। ये मुश्किल से 2 मिनट में आपकी शेडिंग हो जाएगी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। मैंने हल्का हल्का कवर किया पहले और वो चीज़ें छोड़ने की कोशिश की है जहाँ पर मुझे लाइट नज़र आ रही है स्पॉट पर। अब हम डेप्थ कवर करेंगे जहाँ पर हमारा डार्क एरिया आता है। ये देखिए, ये पॉट की डेप्थ आ गई। एक डेप्थ थोड़ी सी यहाँ आएगी क्योंकि इसमें नेक जो है इसकी अंदर की तरफ है, इसलिए इसमें थोड़ा सा डार्क करेंगे। एक इसके किनारे ऊपर की तरफ है, इसलिए यहाँ पर भी इसकी डेप्थ आएगी और थोड़ा सा एक साइड हमारी डार्क चलेगी क्योंकि एक तरफ से लाइट पड़ रही है पॉट पर, दोनों तरफ से नहीं पड़ रही। देखिए कितनी जल्दी है हो जाता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, पेंसिल चलाने का तरीका देख लीजिए। यहाँ अंदर हम डार्क करेंगे। एक चीज़ और बताते हैं बच्चों आपको, जब भी कभी आपको कुछ शेडिंग करनी है तो बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं तो यहाँ हाथ रख लेते हैं। आप इसको कोई भी पुराना कागज़ पड़ा हुआ आपके पास उसको ऐसे रखिएगा और तब आप हाथ रख के कीजिएगा, तो उससे आपकी शेडिंग गंदी नहीं होगी और हर एक शेडिंग वाली प्लेट पर या
शीट पर आप एक ट्रेसिंग पेपर ज़रूर लगाया कीजिए। ये बहुत आसान तरीका है शेडिंग का जो मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिए। ये देखिए, ये इतना बना, फिर मैं थोड़ा नीचे आ जाती हूँ, फिर और नीचे। मैं अपने साथ कागज़ को फंसा रही हूँ ताकि मेरा जो शेडिंग है वो गंदी ना हो या दूसरी जगह पर डार्क पेंसिल ना चले। हाँ, एक चीज़ और, इसके लिए आप 6B की पेंसिल लीजिए, बेटर होगी। वैसे पूरे पूरे पैकेट आते हैं जिसमें 2B से लेके 3B, 8B, 6B, 10B भी आती है, लेकिन एक 6B की पेंसिल से पूरी शेडिंग आसानी से हो जाती है। उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि हम एक और ख़रीदें, अपना खर्चा बढ़ाएं। खर्चा नहीं बढ़ाना है आपको, कोशिश करना है कि इससे ही काम चलाएं, शेडिंग पेंसिल से, जो कि नंबर है 6B। कोई भी ब्रांड, कोई भी कंपनी की ले लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से हमने पूरा कवर किया। कहीं अगर थोड़ी सी लाइट अगर हमें दिखानी है, ये बाद में हल्का सा बाहर का हिस्सा इरेज कर लीजिएगा जो हाथ से लग जाए या कागज़ से फैल जाए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ना हो। ये देखिए, अब हम इसको इमेज को क्लियर करते हैं। थोड़ा सा मैं इरेजर से एक हल्का सा लाइट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये आसान तरीका है आपका, आप भी कर सकते हैं। वो भी सिर्फ इसलिए कि ये काला हुआ, नहीं तो हम इसे छोड़ के चल सकते हैं। आपके लिए आसान तरीका है। अब देखिए, इसको हम क्लियर, जब भी कोई स्टिल लाइफ बना रहे होते हैं तो अगर उस पर लाइट पड़ रही है तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर शेड भी पड़ेंगे। इधर आप थोड़ा हल्का लीजिएगा, अब हम इसके डिजाइनिंग को करते हैं। उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी स्टिल लाइफ शेडिंग के साथ बनाए हैं शुरू कर सकते हैं। मुझे आपसे बहुत उम्मीद है कि आप अच्छा अच्छा बनाकर पोस्ट करेंगे। मुझे यहाँ इसकी नेक पर हम डिज़ाइन दे सकते हैं, पैरेलल लाइन, और यहाँ पर भी दे सकते हैं आप चाहो तो। और इन सब के बाद इधर से हमने सपोज किया है लाइट आ रही है, लाइट पड़ रही है पॉट पर, तो हम इधर इसकी शेडो ड्रेपरीज हम नहीं दिखा रहे हैं अभी, क्योंकि वो बाद में सीखेंगे हम ड्रेपरीज कैसे डालते हैं पीछे जो कर्टन होता है। फिलहाल आप इतना कीजिएगा। तो ये था आज का हमारा लेसन, इट इज़ नाउ कम्प्लीट। आप सब मुझे पोस्ट कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे बताइएगा।